चामुंडाई विचय नमः। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी करणी का करणे तैलाभ भक्त शरीरणे वाम पादोल सलोल हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। सप्तम दुर्गा है माँ काल रात्रि शक्ति व शुभ फल की दात्री सातवें दिन हम इनको ध्याते श्री चरणों में ध्यान लगाते काल रात्रि कर शत्रु का नाश हम सब काल रात्रि के दास रात्रि में होती है इनकी पूजा इनके समान शक्ति ना दूजा। काल रात्रि नमो नमः माँ काल रात्रि नमो नमः काल रात्रि नमो नमः माँ काल रात्रि नमो नमः। सप्तम दिन माता है आती भक्त जनों पे कृपा बरसाती गले में माँ के चमकती माला माँ का रूप है एकदम काला बिखरे हुए हैं माता के बाल काल रात्रि से डरते हैं काल घर दब के करती है सवारी माँ का स्वरूप है मंगलकारी। काल रात्रि नमो नमः माँ काल रात्रि नमो नमः काल रात्रि नमो नमः माँ काल रात्रि नमो नमः। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माता काल रात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का यह रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता जाता है। माता की पूजा सुबह में भी होती है लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भर रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों माँ काल रात्रि की जय। नेत्र माता के अग्नि समान करती सदा सबका कल्याण एक हाथ में खड़ग विराजे दूजे हस्त लोह कंटक साजे रूप भयावह माँ का लागे दुष्ट असुर सब डर के भागे वर मुद्रा में है हाथ उठाया भक्त जनों का कष्ट मिटाया। शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ काल रात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। चार भुजाओं वाली काल रात्रि देवी गधे पर मंदित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ काल रात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है
जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। इनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। शुंभ निशुंभ उत्पात मचाया, रक्त बीज उनके संग आया। तीनों ने किया है अत्याचार, शहोर मचा है हाहाकार। सभी गए तब शिव के पास, कहा है शिव हम आपके दास। हम सबको कष्टों से उबारो, हे शिव आई विपदा तारो। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। तो प्रेम से बोले भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माता चली कर सिंह सवारी, असुरों को हुआ अचरज भारी। युद्ध को दैत्य तब रण में आए, माँ के सामने टिक ना पाए। शुंभ निशुंभ लड़ने को आए, माता के हाथों वो मुक्ति पाए। तब आया है रक्त बीज लड़ने, लगा वो माता से युद्ध करने। काल रात्रि नमो नमः, माँ काल रात्रि नमो नमः, काल रात्रि नमो नमः, माँ काल रात्रि नमो नमः। पर वह था दानव असमान, मिला था उसको एक वरदान। रक्त उसका जो रक्त बीज पैदा हो जाता, तब रक्त बीज राक्षस के कारण काल रात्रि रूप किया है धारण। रक्त गिरे ना इसका था भान, कर लेती थी माँ रक्त का पान। सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भक्तों, रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकले खून की बूंदे जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसके खून की बूंदे धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए।
उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। तो प्रेम से बोली भक्तों, माँ कालरात्रि की जय। रक्त बीज को मार गिराया, असुरों का आतंक मिटाया। रक्त बीज मर्दन कहलाए, सबने असुरों से मुक्ति पाई। सात विचक्र से इनका संबंध, चाह रहता है मन स्वच्छंद। जो भी करते माँ का पूजन, उनका रहता है निर्मल। स्वरूप ब्रह्मांड समान, देती सदा सब कर्म का दान। ध्याए हम सब तम स्वरूप को, मन में बिठाए छवि अनूप को। कालरात्रि नमो नमः, माँ कालरात्रि नमो नमः। कालरात्रि नमो नमः, माँ कालरात्रि नमो नमः। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र है ओम देवी कालरात्रये नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शुभम करी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गंधर्व पर सवार है। तो प्रेम से बोली भक्तों, माँ कालरात्रि की जय। जो करते माँ की उपासना, उन पे दया करती ज्योत्सना। भक्तों पर माँ कृपा बरसाती, आसुरी शक्ति निकट नाती। शुंभ करी भी माँ कहलाती, सही राह माता दिखलाती। शुभ फल की होती है प्राप्ति, जो करते मन से नवरात्रि। रहता है माँ का हाथ, माँ को पूजे जो विधि विधान, उनका होता है सदा कल्याण। सारी सृष्टि है माँ के अंदर, माँ का रूप है अति भयंकर। रूप देख के असुर भय खाते, वेद पुराण भी महिमा गाते। की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभम करी कहलाई।
अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। भक्तों, कालरात्रि माता भले ही भयंकर स्वरूप वाली है, पर यह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इन्हें शुभम करी भी कहा जाता है। जो भी नवरात्रि के सातवें दिन माता के इस रूप को ध्यान में रखकर पाठ करते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ की बनी चीजें पसंद है, इसीलिए माँ के पूजन व भोग में गुड़ से बने चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ कालरात्रि की जय। लाल रंग है माँ को प्यारा, सप्तम रूप लगे है न्यारा, कुमकुम रोली माँ को भाए, हम सब गुड़ का भोग लगाए। माँ कालरात्रि है शक्तिवान, कोई नहीं है इनके समान, घर दब पर लगाते आसन, हम सब करते माँ का पूजन। जनों का करती संहार, नमन चरणों में बारंबार, नवरात्रि में इनको ध्याते, पूजा पाठ कर गुण है गाते, जो करते हैं कथा श्रवण, अन धन शक्ति से रहते संपन्न। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंच मेवा और पांच प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसीलिए नवरात्रि के सातवें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इनकी पूजा का मंत्र है, एक वेणी जपा करने पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी करनी का करने, तैला भक्त शरीरणे, वाम पादोल सलोल हलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय।